अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अकारद है। आज हम स्टार्ट करेंगे थ्योरम की रूलिंग्स। पहले भी हम एक लेक्चर देख चुके हैं थ्योरम की रूलिंग, जिसमें हमने पढ़ा था ट्रायंगल, ट्रायंगल की टाइप्स। आज हम देखेंगे कि ट्रायंगल जो थ्योरम होता है उसमें ट्रायंगल के नेम क्या रखे जाते हैं। बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि ट्रायंगल के नेम रखने नहीं आते, तो आज का लेक्चर हम देखेंगे कैसे ट्रायंगल्स के नाम होते हैं। तो हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रायंगल का नाम कैसे रखते हैं। ठीक, तो सबसे पहली चीज़ जो है वो ट्रायंगल का जब आप नाम रखेंगे तो आप कैपिटल वर्ड यूज करेंगे। ठीक, ए बी और सी, ये तीनों वर्ड आप कैपिटल रखेंगे। ठीक है, उसके बाद जब आप इसका नाम लिखेंगे तो सबसे पहले ट्रायंगल बनाएंगे, ट्रायंगल छोटी सी ट्रायंगल बनाएं, फिर ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, ये सब करेक्ट नहीं है, आप अल्फाबेटिकली चलें ताकि मिस्टेक ना हो। वैसे आप इसका नाम रख सकते हैं ट्रायंगल बी ए सी, और इसके अलावा ट्रायंगल सी ए बी, यानी आप कोई भी नाम रख सकते हैं, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन आप कोशिश करें कि आप अल्फाबेटिकली चलें ताकि आपकी मिस्टेक्स कम से कम हो और आप स्टूडेंट के अंदर कंफ्यूज ना हो। ये हमने सीखा ट्रायंगल का नाम। अब इसके बाद साइड्स का नाम क्या सकते हैं। साइड्स में हम पहले इस साइड की बात करते हैं, तो इस साइड का नाम हम ए बी, तो आप लिखेंगे मैया ए बी साइड, साइड का सामने लाजमी डालें, मैया ए बी साइड। इसी तरह दूसरी साइड का नाम हम क्या रख सकते हैं, मैया ए सी साइड। इसी तरह थर्ड साइड, इसका नाम हम क्या रख सकते हैं, मैया बी सी साइड, ये नाम भी आप कैपिटल रखेंगे। अच्छा, इसमें आप नाम मैया बी ए भी रख सकते हैं, ये भी करेक्ट है। इस तरह इसमें सी ए भी रख सकते हैं, सी डी भी रख सकते हैं, तो ये भी करेक्ट है, लेकिन आप इसे कंफ्यूज हो, तो कोशिश करें आप कौन सा रखें, अल्फाबेटिकली चलें तो ए भी रखेंगे आप नाम। ठीक है, इसके अलावा आपकी बुक में एक और तरह से भी इनके नाम रखे जाते हैं, वो भी देखते हैं। जैसे अब इस साइड का नाम अक्सर आपकी बुक में यूज होता है, जो ये सी पॉइंट है, यानी सी एंगल जिस तरह पर है, इसके ऑपोजिट साइड में इस साइड का नाम आप रख सकते हैं स्मॉल सी। इसी तरह इसके ऑपोजिट साइड स्मॉल ए, इसके ऑपोजिट साइड स्मॉल बी, यानी आप ए की साइड को आप क्या कह सकते हैं, साइड सी, स्मॉल सी। इसी तरह ए सी साइड को आप क्या कह सकते हैं, स्मॉल बी, और बी सी साइड को आप क्या कह सकते हैं, स्मॉल ए। ठीक, तो ये नाम भी आप रख सकते हैं। उसके बाद हम एंगल्स के नाम रखना देखते हैं कि एंगल्स के नाम कैसे रखते हैं। आप कोशिश करें कि यही यूज करें थ्योरम के अंदर, ये वाले कम यूज करें। अच्छा, एंगल्स के नाम, एंगल्स के नाम रखने के लिए ए है, तो सबसे पहले आप मैयर और एंगल का डिजाइन करेंगे, एंगल का साइन ये आपको बड़ा, ये जैसे एंगल बनता है ना, तो इस तरह आप छोटा सा एंगल डालेंगे, मैयर एंगल। फिर जिस पॉइंट पर एंगल बन वो हमेशा आपका क्या होगा, सेंटर में आएगा, तो आप क्या लिखेंगे, मैयर एंगल बी ए सी, मैयर एंगल बी ए सी। तो पॉइंट ए पर एंगल बन रहा है तो हमें पता चल जाएगा कि हम ये किस एंगल की बात कर रहे हैं, एंगल ए की। तो ये किस एंगल का नाम है, मैयर एंगल बी ए सी, मैं यहां लिख देता हूं, यह हमने ट्रायंगल का नाम रखना सीखा। साइड्स का, और अब हम क्या करेंगे, एंगल्स का नाम। ठीक हो गया, मैयर एंगल बी ए सी, आप इसको मैयर एंगल सी ए बी भी ले सकते हैं, ये भी करेक्ट है, लेकिन आप अल्फाबेटिकली ही चलें। ठीक, इसके बाद आप इस एंगल का क्या नाम रख सकते हैं, मैयर एंगल ए बी सी। इसी तरह इस एंगल का क्या नाम रख सकते हैं आप, मैयर एंगल ए सी बी। कोशिश करें अल्फाबेटिकली से, आप बी सी ए भी नाम रख सकते हैं,
हैं, सी बी ए भी नाम रख सकते हैं, सी ए बी भी नाम रख सकते हैं, लेकिन उससे आप कंफ्यूज होंगे। तो कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए आप क्या करेंगे, अल्फाबेटिकली अल्फाबेट में बी पहले आता है तो बी पहले, लेकिन जिस पॉइंट पर एंगल बांध रहा है वो हमेशा सेंटर में ही आना चाहिए। इसके अलावा आप बुक वाला एक और तरह से एंगल्स के नाम रखता है, वो सिंपल से है, जैसे इसको वो सिंपल लिखता है मेजर एंगल ए, जिस पॉइंट पर एंगल बांधा है उसका नाम रख दिया मेजर एंगल ए। इसी तरह बी पॉइंट पर एंगल बांधा तो मेजर एंगल बी, इसी तरह सी पॉइंट पर मेजर एंगल सी। ये सिंपल है, लेकिन यहां पर आप कंफ्यूज तब होंगे जब वो क्या करेगा, इस एंगल का बाइसेक्टर ले लेगा। जब आप इस एंगल का बाइसेक्टर ले लेंगे, बाइसेक्ट करना, तोड़ना, डिवाइड करना, तो ये इस पॉइंट का नाम है डी रखता हूं। अब जब इसको बाइसेक्ट कर दिया तो अब यहां पे क्या हुए, दो एंगल बन गए। जब दो एंगल बने तो ये वाला एंगल अलग, ये वाला अलग। अब आप इस एंगल को ए, इस एंगल को ए, ए तो नहीं कह सकते। अब ये एंगल अलग, ये अलग, तो इसका नाम रखने के लिए आपको फिर यही मैथड यूज करना पड़ेगा। आपकी बुक वाला भी जब डबल एंगल ए की वर्टेक्स पे बन जाए तो क्या करता है, ये नाम यूज करता है। जब एक वर्टेक्स ए की एंगल बन जाए तो ये यूज करता है, तो इससे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो आप अगर ये वाला मैथड यूज करेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। देखें इस एंगल का, इस साइड वाले का नाम मैं रखता हूं, तो इस एंगल का क्या नाम रखेंगे हम, मेजर एंगल बी ए डी। ए सेंटर पे क्योंकि ए वर्टेक्स में एंगल बना है, फिर इसी तरह मेजर एंगल राइट साइड वाला अगर हम लेते हैं तो मेजर एंगल सी ए डी, ठीक है। तो हमारी थ्योरम की रूलिंग और नेमिंग खत्म हो गई है। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकता है, और अगर किसी बच्चे ने मेरी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो आप वहां से जाकर मेरी वीडियो देखें ताकि आपको अच्छे से समझ आए। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह।